जय हिंद डिफेंस एसपेरेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस इज दिव्याशु पांडे आज के सेशन में हम भारत के पड़ोसी देशों और उनसे लगने वाली भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के बारे में जानेंगे और आज की इस क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत साउथ एशिया में आता है और एशिया का एक सबसे बड़े देश में आपका शामिल है यहाँ पर बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनको हम भारत के पड़ोसी देश कहा करते हैं और ये भारत के साथ अपने मैरिटाइम साथ ही साथ रोड बाउंड्री लाइन को आपका साझा करते हैं तो आज हम इनको जानेंगे अगर हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज को देखें तो इसमें चाइना नेपाल भूटान पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश और इसमें एक और सबसे अहम नाम है वो है अफगानिस्तान क्योंकि ज्यादातर हमें यह पढ़ाया जाता है कि चाइना नेपाल भूटान पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं लेकिन हम एक देश को भूल जाते हैं वो अफगानिस्तान है तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए अफगानिस्तान को क्यों हटा दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि ये आपका जो पाक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो भारत की सिर्फ पाकिस्तान से सीमा लगाता है बल्कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर का भाग है और वो कश्मीर वो कश्मीर पूरा भारत का है तो इस प्रकार से अफगानिस्तान भी हमसे सीमा आपकी साझा किया करता है भारत की जो कोस्ट लाइन है भारत की कोस्ट लाइन श्रीलंका और म्यांमार के साथ आपका शेयर करता है वहीं पर पाकिस्तान के साथ भी अपनी हम बाउंड्री लाइन कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं इस तरफ क्योंकि अगर हम देखें सी की तरफ तो अरबियन सी में भारत पाकिस्तान की आपकी जो सामुद्रिक सीमाएं हैं वो लगती हैं लैंड बाउंड्री हमारा पंद्रह किलोमीटर का है और कोस्ट लाइन भारत की पचहत्तर किलोमीटर की है इस प्रकार से भारत हम क्या कहते हैं एक प्रायद्वीपी देश यानी कि इंडिया इज अ पैनल कंट्री पैनल क्या होता है ऐसा भूभाग जो कि तीनों तरफ से पानी से आपका घिरा रहे तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप तो भारत एक प्रायद्वीप आपका देश है हमारी अर्थ है जिसको हम ब्लू प्लानिट की संज्ञा आपका दिया करते हैं इसी अर्थ में आपके टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और एशिया में जो है भारत आपका साउथ एशिया में आता है तो साउथ एशिया में बहुत सारे देश भी हैं जो कि भारत के साथ बाउंड्री आपकी साझा करते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि कौन हमसे कितनी किलोमीटर की लंबी आपकी बाउंड्री शेयर करता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा हम अगर किसी के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं तो वो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश ये भारत का ही अंश था 1905 में जब भारत आपका बंगाल का विभाजन हुआ और जब भारत की स्वतंत्रता उन्नीस में हुई तो ये आज का बांग्लादेश उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था उसके बाद भारत ने उन्नीस में इसको बांग्लादेश के रूप में आपका स्वतंत्र कराया था तो चार हजार छियानवे दशमलव सात किलोमीटर की जो बाउंड्री लाइन है ये दोनों देश अपने जमीनी सीमा को साझा करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि भारत सबसे अधिक अपनी जमीनी सीमा किसके साथ साझा करता है तो आपको आंसर देना होगा कि ये बांग्लादेश है बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर हमारा पड़ोसी चाइना है चीन है और चौंतीस किलोमीटर की लैंड बाउंड्री हम चाइना के साथ साझा करते हैं यह आपका लद्दाख की तरफ फिर आपके उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ इनकी सीमा लगती है तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ हम तैंतीस सौ तेईस किलोमीटर की लंबी बाउंड्री लाइन को आपका साझा करते हैं फिर नेपाल है सत्रह सौ इक्यावन किलोमीटर पांचवें नंबर पे म्यांमार का नंबर आता है सोलह सौ सो तिरालीस किलोमीटर छठे नंबर पे भू भूटान जो कि एक प्रकार की लैंडलॉक कंट्री है इनके साथ हम छः सौ निन्यानवे लगभग सात सौ किलोमीटर और फिर आठवें नंबर पे आपका आता है एक सौ छः किलोमीटर की बाउंड्री लाइन अफगानिस्तान के साथ तो अगर हम इनको टोटल करते हैं तो पंद्रह हज़ार एक सौ छः दशमलव सात किलोमीटर की टोटल बाउंड्री लाइन आपकी जाती है तो यहाँ पर आप भारत का मैप देख पा रहे हो किस तरीके से हम किससे किससे सीमा साझा कर रहे हैं अफगानिस्तान को बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा बुलाने की कोशिश होती है लेकिन आपको ये रहे कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से साझा होती है 106 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान तैंतीस किलोमीटर हो गया इंडिया चाइना चौंतीस किलोमीटर इंडिया भूटान छः किलोमीटर भारत नेपाल सत्रह भारत म्यांमार सोलह और सबसे अधिक बाउंड्री लाइन जो है बांग्लादेश के साथ हम चार किलोमीटर की करते हैं इसी के साथ जो भारत की पूरी कोस्ट लाइन है ये आपका ठीक है वो पचहत्तर सौ पचहत्तर सौ सो सोलह दशमलव छः किलोमीटर की आपकी है तो इस तरीके से भारत इन पूरे भूभाग पर अपनी सुरक्षा का दायित्व भी रहता है और डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है वो इनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग के लिए जिम्मेदार रहता है अब चलिए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन सभी देशों के बारे में सबसे पहले बांग्लादेश से हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर आप मैप देख भी पा रहे हो इट हैज़ अ बॉर्डर लेंथ ऑफ अबाउट फोर किलोमीटर और टोटल हमारे फाइव इंडियन स्टेट्स हैं जो कि इनसे बॉर्डर साझा करते हैं जिनमें पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और आपकी मिज़ोरम शामिल हैं तो आप इन सभी पांचों स्टेट्स का नाम याद कर लीजिए ब्लॉग में हम आपको बता देंगे और जिससे कि आप इसको नोट भी कर पाएंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आपका रहता है वेस्ट बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और आपका मिजोरम इसके बाद चाइना है तो चाइना के साथ हम चौंतीस किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं टोटल नंबर ऑफ फाइव इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ हमारा कॉमन बॉर्डर लगता है चाइना में अब ये कौन कौन है हिमाचल सिक्किम उत्तराखंड अरुणाचल यूनियन टेरिटरी आपकी लद्दाख की आती है और जम्मू कश्मीर भी आपका स्टेट आ जाता है अक्साई चीन एक भारत का ही पार्ट था जिसको पाकिस्तान के द्वारा चाइना को दे दिया गया था तो उस भूभाग में चाइना का आपका कब्जा है भारत भी उसकी स्वतंत्रता के लिए पूरी तरीके से अपनी आवाज़ आपको उठाते रहता है इसके बाद पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो इनके साथ हमारी तैंतीस सौ तेईस किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है टोटल नंबर ऑफ़ फोर स्टेट्स भारत जो है इनके साथ साझा करता है और भारत के जम्मू कश्मीर यूटी लद्दाख पंजाब राजस्थान और गुजरात के साथ ही सामा आ, अपनी सीमा साझा करते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी यूनियन टेरिटरी और कितनी स्टेट के साथ हम साझा करते हैं तो आप इसको बता सकें दो यूनियन टेरिटरी और तीन आपके स्टेट हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल और, और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन आती है वहीं पर चाइना के साथ हम एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को साझा करते हैं इसके बाद नेपाल का नंबर आता है टोटल नंबर ऑफ 1751 किलोमीटर बाउंड्री लाइन हम नेपाल के साथ साझा करते हैं भारत के पांच ऐसे स्टेट्स हैं जो कि नेपाल के साथ अपने बाउंड्री को टच करते हैं ये हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और आपके सिक्किम। रोटी और बेटी का संबंध नेपाल से है दोनों देशों के बीच में धार्मिक सांस्कृतिक काफ़ी समानता है और एक प्रकार से हम एक ही हैं अगला है म्यांमार सोलह किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है पहले इनको वर्मा के नाम से जाना जाता था भारत के कुल चार ऐसे राज्य हैं जो इनसे सीमा साझा करते हैं ये हैं अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम ओके तो आप याद भी कर सकते हो एन एम एम ए ठीक है अरुणाचल नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम अगला है आपका भूटान तो भूटान के साथ हम ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 699 सौ निन्यानवे किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत के ऐसे चार राज्य हैं जो इनसे बाउंड्री टच करते हैं ये हैं सिक्किम पश्चिम बंगाल असम और आपके अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में अफगानिस्तान है तो टोटल नंबर ऑफ एक ही इंडियन स्टेट या फिर यूटी कह लीजिए जिसके साथ हम साझा करते हैं ये हैं 106 और हमारा जो आ, लद्दाख है वो इनके साथ आपका सीमा साझा करता है ठीक है तो इस प्रकार से हमने देखा भारतीय नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं टोटल एड्स हैं पचहत्तर सौ सोलह किलोमीटर की हम कोस्टल लाइन आपकी रखते हैं जिसमें एक तरफ अरबियन सी है अगर मैं आपको यहाँ पर मैप के जरिए बता पाऊँ तो काफी सही रहेगा देखिए इस तरफ हमारा अरबियन सी आता है नीचे इंडियन ओशन का रीजन है और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है और इस पार्ट में अंडमान निकोबार है तो यहां पर हम इसको अंडमान सी कहा करते हैं तो भारतीय नौसेना भारतीय थल सेना भारतीय वायुसेना पूरे भारत की हिफाजत में आपकी संलग्न रहा करती है अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें साथ ही साथ एस एस बी क्रैक एग्जाम के एस एस बी इंटरव्यू और रिटर्न कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें रिटर्न कोड का यूज कर लें जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस इंटरव्यू एनडीए सी डी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं